सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। अभी देखो मौसम कैसे क्या लग रहा है आप। सो फिलहाल अभी टाइम देखो 9:22 और ये घड़ी ना लगभग 15 मिनट पीछे चलती है, तो लगभग 10 बजने वाली है। और अभी मौसम ऐसा हो गया कि अभी पानी आ जाएगा, अचानक से मौसम खराब हो गया। देख के ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6:30 बज रहे ऐसा लग रहा होगा। अभी तो स्कूल भी चले गए हैं, अभी मम्मी तो खाना भी बना रही होंगी, लगभग 10 बजने वाली है। मम्मी तो खाना बना रही है और कमल इधर नहाने की तैयारी कर रहा है। अरे ना कैसे, आप मैं सोच रहा हूँ ठंड ज्यादा पड़ रही है। ठंड कहाँ लग रही है, इधर देखो मैं देखो इसको पता नहीं क्यों इतनी ठंड लगती है, लग रही है। अरे पंखा बंद कर दे, पंखा किधर चालू हो गया भाई, लाइट लाइन मार रही है। बन चालू हो रही है। और मम्मी क्या बना रही हो आज, रोटी और उड़दी की दाल। गाइस अच्छी लगती है मुझे उड़दी की दाल, तो बना ली। क्या हुआ, किधर गया? अरे यार लाइटें खराब होते जा रही है, कितने सारे बल्ब खराब हो गए ना। अब मैं सोच रहा ना वो वाले ले आऊंगा चार्ज वाले, मतलब ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी, लाइट जाने के बाद फिर भी जलेंगे। जैसे लाइट चले गई ना उसके बाद भी चलेंगे वो। कनेक्शन से नहीं होता है वो, ऐसे रहता है चार्ज वाले रहते हैं वो। एक किचन में लगे दीजिए ऑटोमेटिक, जैसे लाइट बंद हो गया ना ऑटोमेटिक वो वापिस चलने लग जाएगा। लाइट से भी चलेगा, बिना लाइट से भी चलेगा वो। अच्छा है ना, ला दूंगा। ठीक है मम्मी, कितना खुश होगी। किचन में लगे दीजिए, वहाँ लगे और क्या। मैंने खाना निकाला ही था खा लिया, और मम्मी रोटी बनाते बनाते उधर पानी देखने चले गए। मम्मी आपकी रोटी नहीं जल जाए, ये नंगा पुंगा हो गया था। ये क्या हो गया, लेजर लाइट पता नहीं, वो ऊपर लाइट ऑन लगी है ना उसको निकालने के लिए गया, पानी आ रहा है तो शैम्पू भी फेंक के चले गए। अचानक मौसम खराब हो गया ना, जो ऊपर लाइट दिख रही नहीं है लगी हुई, ये निकालने के लिए गया है वो। और कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है कमेंट करके बताना। आज शुक्रवार है और शायद 16 होगी, तो कुछ इस तरह से बारिश हो रही है। हल्के फुल्के से चीटी आ रहे, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। मम्मी अभी तो लॉक करने के लिए गए दरवाजा, तो मैं खाना खा लेता हूँ। चलो खाना खा के मिलते हैं। गुब्बारा ले लिया इसने, लकड़ी से मार रहा है। अरे फूट जाएगा वो बिट्टू सीधा, अरे लकड़ी से फूट जाएगा बेटा, जल्दी ऐसे नहीं खेलते, हाथ में ही खेलना। देखो वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये छोरी को देखो, ऐसी बेटी जैसे बहुत बड़ी पराकू है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये गलत हो गया। गलत हो गया तो सही करो फिर। पापा ने कैसा अलग मिट्टा नहीं, तो पेंसिल से लिखने के लिए बोला ना। इसका तो ऐसी वाली पेंसिल से लिखने के लिए बोला ना, इतनी सारी पेंसिल किस काम की है। मम्मी आज खाने में ऐसा क्या बना रहे जिसकी खुशबू रोड तक जा रही है। तुवर की दाल, तुवर की दाल तो बहुत आ रही है। जल्दी जल्दी मिर्ची डाल। आपको तो पता ही है मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है ना तो एकदम से बहुत बुरा हो जाता है। ये मेरे साथ ना हमेशा से होते जा रहा है। अभी आपने देखा था कुछ टाइम से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, मेरा ब्लॉग भी बहुत ही अच्छे से चलने लगे, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। और बीच में एकदम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वैसे तो टाइटल थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और लेकिन ऐसा रहता नहीं कि बहुत सारे लोगों को ना विश्वास नहीं होता, तो एकदम लाइव दिखाना पड़ता है ताकि यकीन हो जाए। आजकल कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करता, तो दिखाना तो पड़ेगा। तो मेरे टोटल ना 16 वीडियोस अंतर कॉपीराइट क्लेम आ गया। और आपको पता है एक आधे वीडियोस पर अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन 16 वीडियोस पर एक साथ कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो सोचो मेरी क्या हालत हो गई। वैसे तो मुझे पता है कि कॉपीराइट क्लेम से चैनल को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसमें भी ये रहता है कि अगर एक आधे वीडियोस पर आएगा तो चैनल को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक साथ 16-17 मतलब ज़्यादा वीडियोस पर अगर कॉपीराइट क्लेम भी आ जाए तो फिर डर तो लगता है यार, क्योंकि मैंने इतना बड़ा चैनल बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत लगी है मुझे ये सब करने में, और फिर एकदम से इतने सारे वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। मेरे तो सही में अभी भी मेरा है ना ऐसे, ये देखो हाथ ही कांप रहे, घबराहट से होने लगी, क्योंकि अगर चैनल को अगर कुछ हो गया तो सोचो क्या होगा, क्योंकि मेरा घर बार सब कुछ चैनल से ही चल रहा है। आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ और भी करेंगे यूट्यूब के अलावा भी, लेकिन फिलहाल तो अभी उसी से चल रहा है। अगर उस पर कुछ भी होता ना तो बहुत डर जाता हूँ मैं। तो मैं ना पहले दिखा देता हूँ कितने आ रखे कॉपीराइट क्लेम, देखो
बाकी मैं ज्यादा चैनल का कुछ आप लोगों को शो नहीं कर सकता, जो मेन चीज है ना वो दिखा रहा हूँ। अभी देखो आपको जो वीडियोस मेरे चैनल पर डाली हुई है ना वही दिख रही है, और अभी कॉपीराइट क्लेम कितना आ रखा है मैं आपको दिखा, कितनी वीडियोस पर आ रखा दिखाता देखो, आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ और ये हटेगा भी नहीं। देखो ये कॉपीराइट क्लेम पे मैंने क्लिक करा, थोड़ा सा भी एडिट नहीं होगा वो वीडियो, ऐसा कैसा डालेगा देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉपीराइट क्लेम कितने, देखो यहाँ से गिनो ये टोटल, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये नीचे 16, टोटल 16 वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आ रखे है। आप लोगों ने अच्छे से तो देख लिया ना, यकीन तो हो गया ना कि सच में आ रखे है, मतलब ऐसे मैं ज़बरदस्ती कंटेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये रियल में आ रखे है। मैं जो भी ब्लॉग या कुछ भी पोस्ट करता हूँ उसमें मेरा खुद का कंटेंट रहता है, मैं किसी और का कुछ भी नहीं लेता हूँ। कॉपीराइट क्लेम तभी आता है जब आप किसी और का कुछ भी यूज़ कर रहे हो। आप तो वैसे काफ़ी टाइम से ब्लॉग देखते आ रहे हो, मैं किसी और का कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, उसके बावजूद पता नहीं कैसे क्या आगे। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो या यह इशू आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, बाकी मैं कोशिश करता हूँ इनको जल्द से जल्द हटाने की। और इतने चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आया तो इससे मेरी यूट्यूब मनी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनसे भी YouTube मनी आपको पता ही है ना एक वीडियो से नहीं आती है, सारे वीडियोस पर थोड़े 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 व्यूज़ आते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी अर्निंग उनसे होते रहती है, तब जाकर हमारी YouTube पेमेंट आती है। और एक साथ मेरे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आया ना, जिस पर अभी भी मेरे व्यूज़ आते रहते हैं उन्हीं वीडियोज़ पर आया हुआ है। वो ऐसा रहता ना कि अगर कोई वीडियो ज़्यादा चलती रहती है ना तो कोई कोई ना फेक कॉपीराइट क्लेम भी दे देते, ताकि जो हमारी वीडियोज़ की अर्निंग ना उनको मिले, इस टाइप से भी हो जाता है। तो इनको कोशिश करता हूँ मैं जल्द से जल्द रिमूव करने की। बाकी आज के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग आप लोगों को देरी से देखने के लिए मिलेगा। वैसे मैंने आपको बता रखा कि मेरे डेली ब्लॉग शाम 6 बजे अपलोड होंगे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो जाएगा, 6:40 तो अभी हो रहे, फिर इसको एडिट करूँगा और फिर अपलोड करने में भी तो टाइम लगेगा ना। और अभी मैंने ब्रज को बुलाया हुआ है, क्योंकि अगर मेरे मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कैसे करता और आपको लाइव प्रूफ कैसे दिखाता कि मेरे चैनल पर इतने कॉपीराइट क्लेम आ रखे हैं वीडियो सॉन्ग पर, तो फिर यकीन नहीं करते ना। इस वजह से मैंने ब्रज को बुलाया और एकदम लाइव आप लोगों को दिखाया कि सच में ये हो रखा है। मैं बस आप दुआ करना कि ऐसी प्रॉब्लम आगे मेरे साथ नहीं हो और सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और मुझे ना ज़्यादा इमोशनल होकर मतलब ऐसा दिखाने की आदत नहीं, एकदम नॉर्मल हैप्पी रहता हूँ लाइफ में, कुछ भी हो जाए ना मैं खुश रहता हूँ। वरना कुछ लोग अभी रहते तो रोने धोने लग जाते बहुत, फिर इमोशनल वैसा दिखाते तो फिर लाइक ज़्यादा मिलते, व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते, बट मेरा ऐसा नहीं, मैं सिंपल से बता रहा हूँ। बाकी अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, डर भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं यार, आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ मैं। कल से पक्का टाइम पर ब्लॉग आएंगे, ठीक। और मिनी ब्लॉग भी मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया, अगर आप में से किसी ने मिनी ब्लॉग नहीं देखा तो देखना जाकर, काफ़ी सारे मैंने मिनी ब्लॉग भी अपलोड कर रखे हैं। और बाकी आज का ब्लॉग कैसा क्या लगा बताना, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर भी बताया चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ, और राइट साइड में आपको कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, डायरेक्ट इंस्टा पर जाकर सर्च करना और वहाँ भी फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी आज के लोग जो भी था आप लोगों के साथ शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।